शरद ऋतु शुरू होते ही पुष्कर में चोरी की वारदातें शुरू हो गई है। बीती रात चोरों ने फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक मकान को निशाना बनाया। वहीं वहां से 2 LED और कुछ चांदी के जेवरात सहित करीब 50,000 की चोरी को अंजाम दिया। इसकी सूचना पुष्कर थाना पुलिस को दी गई। पीड़ित कमल पारासर ने बताया कि बीती रात उनका परिवार शादी में गया था, वापस आकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने घर में लगी LED चांदी के पाई जब बिछुड़ी पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर ताला तोड़ने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल किया गया, जिसे पुलिस ने बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि पुष्कर मेले में बाहर से आए किसी गिरोह का हाथ हो सकता है, जो मेला समाप्त होने पर घरों में घुसना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। तो शादी में गए थे कल रात को और सुबह आके देखे तो यहाँ ताला टूटा हुआ मिला और मेन गेट का ताला लगा हुआ था। अंदर के अंदर 2 LED चोरी हुई हमारी और कुछ चांदी की पाइप वगैरह है, वो बिछोड़ी वगैरह है। सारा घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और जो चोरी की वारदात हुई इसके अंदर रिंच पाना अंदर मिला है और एक चक्कू की दोनों चीज बरामद हुई अंदर से। आपका मकान कहाँ पे? ये फ्रेंड्स कॉलोनी बड़ी बस्ती पुष्कर। आपका नाम? कमलचंद पाराशर।